सभापति महोदय, सदन का सभापतित्व का पद ग्रहण करने के बाद और इस देश के उपराष्ट्रपति की जिम्मेवारी संभालने के बाद मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, बिहार की जनता की तरफ से आपको साधुवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं और एक शानदार भविष्य में आपके कार्यकाल की सफलता मिले इसके लिए भी शुभकामना देता हूं। सभापति महोदय, जिंदगी एक सफर है और वो सफर कैसे गुजरता है इसी से लोग देखने का प्रयास करते हैं, किसी व्यक्तित्व का आकलन करते हैं कि उसकी सफर कैसी रही। आपके जिंदगी को यदि परखा जाए और कुछ मोड़ों पर केंद्रित किया जाए, तीन मोड़ ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। एक प्रारंभ है संघर्ष का, दूसरा कोण है या दूसरा मोड़ है वह है संगठन का, और तीसरा मोड़ है सरकार चलाने का। संघर्ष की बात का मैं इसलिए उल्लेख करता हूं कि आपके प्रारंभिक जीवन जो छात्र संघर्ष का रहा और जिस मोड़ पर आपने संघर्ष किया था जेपी आंदोलन में, उसके एक सहयात्री होने का हम लोगों को भी मौका मिला था। और विश्वविद्यालय छात्र राजनीति से आपने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने का काम किया और छात्र राजनीति तो शुचिता की प्रतीक होती है, उसके सामने घर परिवार किसी की चिंता नहीं रहती है, उसके सामने तो केवल जुनून रहता है जो आगे बढ़ता चला जाता है। और आप उस धारा से आए हैं और ऐसे धारा में आए हैं जिसने भारत के राजनैतिक इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में आज भी चर्चित होता रहा, जेपी आंदोलन। संगठन में एक छात्र नेता यदि विश्वविद्यालय की अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी संभालता हो और उसकी कार्य कुशलता ऐसी हो कि पार्टी का अध्यक्ष के रूप में उसको कार्य करने का मौका मिल जाए, तो उसकी दक्षता, उसकी योग्यता और उसकी संगठन क्षमता को प्रभावित करता है। तीसरा मोड़ आपके मंत्री पद और अनेक पदों पर जाने का है, तो ऐसा तो बहुत कम लोगों का होता है कि जिंदगी को तो नदी के प्रवाह से तुलना की जाती है। नदी का प्रवाह जब रुक जाता है सभापति महोदय, नदी की महत्ता खत्म हो जाती है। और जिंदगी में यदि प्रवाह बराबर चलता रहता है और अनेक पदों पर वह यदि व्यक्ति जाता है और उस पद पर अपनी कीर्तिमान और जस स्थापित करता है, वही जिंदगी का सही अर्थ है जिसको आपने निभाने का काम किया, जिसको आपने आगे बढ़ने का काम किया। मैं मानता हूं बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर आई है और ऐसी जिम्मेवारी आई है कि दाएं भी देखना है और बाएं भी देखना है, बीच में भी देखना और बीच में देखना और तीन कोणों के बीच में सामंजस्य और सौहार्द बनाना, तीन आपके जीवन में जो लक्ष्य हैं जिसमें सफलता मिली है, मुझको लगता है इसमें भी आपको शानदार सफलता मिलेगी। मैं मानता हूं कि सदन में लंबे काल से रहने के बाद और सदस्यों के प्रति जो ममता का और स्नेह का भाव रहा है, यही सब लोगों के सहयोग से यह भी का आपका कार्यकाल एक कार्यों के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, शानदार होगा, सफल होगा। सभापति महोदय, कुर्सी की व्याख्या की गई है,
बैठने वाले व्यक्ति से कुर्सी की महत्ता बढ़ती है और उस पर बैठने वाले व्यक्ति से कुर्सी की महत्ता कम भी होती है। यदि बैठने वाला व्यक्ति अपने कार्यों से कुर्सी की महत्ता बढ़ा देने का काम करे तो लोकतंत्र के लिए भी आवश्यक है, सार्वजनिक जीवन के लिए भी आवश्यक है, भारत के सामाजिक जीवन के लिए भी आवश्यक है। अंत में आपको शुभकामना देता हूं, जश मिले, प्रतिष्ठा मिले, आपका कार्यकाल यह भी शानदार हो, बेमिसाल हो और इस सदन के लोगों को आपको सहयोग मिले। इतना ही कह करके अपनी शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।